हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र अपने यूट्यूब चैनल सतेन फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि 22 तारीख को और 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और आज हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर का नाम है आपका रॉक्स, जैसे चट्टान के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इस चैप्टर को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है, दो पार्ट में है, तो प्लीज़ दोनों पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जो होता है पॉसिबिलिटी रहती है कि आ जाए। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिएगा, सर्वप्रथम पृथ्वी की संरचना में मात्र मात्र 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों का ही योगदान देता है। पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है उसमें 8 प्रमुख जो होते हैं तत्वों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें आप सबसे ज़्यादा देखोगे ऑक्सीजन 47%, सिलिका 28%, एल्यूमिनियम 8%, और आपका आयरन 5%, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये एक क्रम में है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन है, फिर उससे कम कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा योगदान आपका जो होता है ऑक्सीजन का होता है, फिर सिलिका का होता है। ये मैंने पृथ्वी की स्ट्रक्चर की बात करी है, क्रस्ट की बात नहीं करी है कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा आपका तत्व होता है। ठीक है, ये एक बेसिक बात थी जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो मैंने यहाँ पे इसको सर्किल कर दिया है। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, रॉक्स चट्टाने तीन प्रकार की होती हैं। पहली आप देखो ध्यान से, आग्नेय चट्टाने लिखा हुआ है, और दूसरी चट्टान देखोगे अवसादी चट्टान लिखा हुआ है, और तीसरी चट्टान जो लिखा हुआ है वो रूपांतरित चट्टाने लिखा हुआ है। ठीक है, आग्नेय चट्टान को हम लोग इग्नेशियस रॉक बोलते हैं। इग्नेशियस आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आग के समान, तो वहीं से रिलेटेड एक वर्ड आ गया आपका आग्नेय। ठीक है, और दूसरा आपका देख रहे हो जो चट्टान होती है अवसादी, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री बोलते हैं। अवसादी का अर्थ होता है किसी चीज पर उसका इकट्ठा होते रहना। इकट्ठा होते रहने का मतलब कोई चीज रखी है, फिर उसके ऊपर कुछ रख दिया, फिर कुछ रख दिया, यानी कि अवसाद का अर्थ होता है किसी चीज के ऊपर कुछ रखना फिर रखना, यानी कि अवसादी चट्टान जो होती है आपकी परतदार चट्टान होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि इन तीनों ही चट्टानों में जो सर्वप्रथम पृथ्वी पर चट्टान का निर्माण हुआ वो आग्नेय चट्टान हुई थी, इसलिए आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी बात रही। अब तीसरा आप रूपांतरित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। मॉर्फिक का अर्थ होता है बनावट, और मेटा का मतलब होता है उसका भौतिक, यानी कि जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों जो होती हैं उनके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम लोग रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान के नाम से जानते हैं। ये बेसिक सी मैंने आपको बताया, और अब हम लोग आग्नेय, इग्नेशियस या प्राइमरी रॉक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर अवसादी के बारे में, फिर रूपांतरित के बारे में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखिएगा, सर्वप्रथम आपको बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण, ये पहला पॉइंट, क्रस्ट के नीचे हुआ है। पहला पॉइंट देख, आग्नेय चट्टान जो होती हैं उनका निर्माण पृथ्वी की जो अपर लेयर जो होती है क्रस्ट, जैसे भूपर्पटी, उसके नीचे हुआ है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत रवेदार होती हैं। अब ध्यान रखिएगा, आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित तीनों ही चट्टानों में रवेदार चट्टानें जो होती हैं वो आपकी आग्नेय होती हैं, इग्नेशियस। देखिए सेकंड पॉइंट यही लिखा है, और इनको हम लोग प्राथमिक या प्राइमरी चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इन्हीं प्राथमिक चट्टानों या आग्नेय चट्टानों से ही अपसादी और रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। ये प्राइमरी है, तो जो सेकेंडरी जो रॉक्स जो हैं अपसादी और रूपांतरित, इन्हीं प्राइमरी से मिलकर बनती हैं आग्नेय चट्टानों से। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब मैंने बोला कि इनमें चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परत और जीवाश्म नहीं होते, लेयरदार नहीं होती, और फॉसिल्स नहीं मिलते जीवाश्म। जीवाश्म का अर्थ होता है जब कोई जीव मर जाता है तो वो दब जाता है, उसके जो पार्ट्स जो होते हैं फॉसिल्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, उसी से बोल रहा है कि इसमें आग्नेय चट्टाने में परतें और फॉसिल्स नहीं देखने को मिलते, जबकि आपको परतें और जीवाश्म जो होते हैं वो अवसादी चट्टाने में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अवसादी चट्टाने क्या होती हैं, लेयर से, लेयर के निर्माण से बनती, यानी कि कोई चीज़ टूटती गई, एक के दर उसमें सब चीज़ें इकट्ठी होती गई और चीज़ें दबती गई,
तो परतें और जीवाश्म जो होता है, एक लक्षण जो होता है वो अवसादी चट्टानों का है, और जो चीज़ दब जाती है वही आपकी मिनरल्स में परिवर्तित होती है, जैसे कि ऑयल। इसीलिए अवसादी चट्टानों में ऑयल्स ऑयल देखने को मिलता है नेचुरल। चलिए अब आगे देखते हैं, भौतिक और यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव देखने को मिलता है। भौतिक यानी कि फिजिकल और यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल। भौतिक और यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव देखने को मिलता है। भौतिक यानी कि इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्राइमरी रॉक्स हैं, सर्वप्रथम यही बनी हैं। अगर अवसादी और रूपांतरित चट्टानें बन रही हैं तो इनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज तो होगा भौतिक और मैकेनिकली, तभी तो जाके दूसरी चट्टानों का निर्माण होगा। इसलिए इनमें भौतिक और यांत्रिक अपक्षय देखने को मिलता है। अब लास्ट पॉइंट आग्नेय का, स्थिति एवं संरचना के अनुसार यह दो प्रकार या दो भागों में बांटी गई है। आग्नेय की ही बात चल रही है, ठीक है। एक एक पॉइंट को स्टूडेंट्स हमारे जितने भी मुझसे पढ़ रहे हैं इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है आपका कि आग्नेय संरचना चट्टान जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है इंट्रूसिव और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। एक इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का अर्थ होता है अंतर्निर्मित और एक्सट्रूसिव का अर्थ होता है बाह्य निर्मित। अब इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, आग्नेय चट्टान को जो दो भागों में बांटा है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, और यहाँ इंट्रूसिव को भी दो भागों में बांटा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिएगा इंट्रूसिव जो है उसको दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, पातालीय और मध्यवर्ती चट्टानें, ठीक है। बाद में वहां समझेंगे, पहले इंट्रूसिव समझते हैं क्या बोलता है। इसको एक बार रफ कर लें पहले थोड़ा सा, तब आपको नोट करने में आसानी होगी। अब देखिएगा अंतर्निर्मित में क्या बोल रहा है। देखिए अंत यानी कि बाहर नहीं आ पाया, क्या जब मैग्मा सतह के नीचे ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले। जब मैग्मा सतह सरफेस के नीचे ही ठंडा हो जाए और ठोस रूप धारण कर ले तो वो अंतर्निर्मित है, जबकि मैग्मा कभी कभार बाहर आ जाता है तो बाहर आग्नेय हो जाएंगी। अभी हम लोग देखते हैं अंतर्निर्मित। अब देखिएगा अंतर्निर्मित जो थी इसको अपन लोगों ने दो भागों में बांट दिया, एक पातालीय जिसे प्लूटोनिक बोलते हैं और दूसरा मध्यवर्ती। प्लूटोनिक से प्लूटो देवता जो कि यूनानी देवता का नाम आता है, पाताली देवता वहीं से आया है। अब पहले अपन लोग इन दोनों को देखते हैं फिर बाहर, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। अब देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है प्लूटोनिक में इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर है। जो प्लूटोनिक या पातालीय चट्टाने जो होती हैं वो काफी गहराई के अंदर पाई जाती है, तभी तो पातालीय बोलते हैं अपन लोग, प्लूटो देवता पाताली यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने बोला था कि आग्नेय चट्टानों में रवे होते हैं। अब रवे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि पाताली चट्टानों में रवे बड़े बड़े होते हैं, और देखिएगा रवे बड़े बड़े तभी बनते हैं जब किसी चीज़ को हम लोग कोई चीज़ धीमी धीमी गति से ठंडी हो। जैसे आपने देखा होगा रवाडा डोसा, जब डोसा बनता है तो उसको तेज नहीं पकाते हैं, उसको स्लो पकाते हैं, तो उसके रवे बड़े बड़े होते हैं। तो पाताली चट्टानों की खास विशेषता रवे बड़े बड़े, और बड़े बड़े होंगे तो उसकी फीचर रहेगा कि वो धीमी गति से ठंडा हो रहा है। अब देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक पाताली चट्टान का उदाहरण है, और इसके रवे बड़े बड़े होते हैं और ये धीमी गति से ठंडी होती है, ठीक है। अब देखिएगा मध्यवर्ती चट्टान पे आते हैं हम लोग। अब मध्यवर्ती चट्टान में कभी कभार क्या होता, मैग्मा जो होता है जब ज्वालामुखी आता है, तो जब मैग्मा जिन सहारों से ऊपर आता है, जिस मीडियम के माध्यम से, किसी नली हो गई, किसी दरार हो गया, तो वो पृथ्वी के अवरोध के कारण ऊपर नहीं आ पाता। अंदर ही क्या होता है, किसी नली में, किसी पाइप में, किसी छिद्र में या दरार में ही जम जाता है, और कभी कभी धरातल पे आ जाता है। एग्जाम्पल डोलामाइट और मैग्नेटाइट। अब क्या होता है कि जब लावा किसी नली में जम जाता है, ऊपर नहीं आ रहा, किसी नली में, पाइप में, छिद्र में जम जाए, तो कुछ आकृतियां बनती हैं जिनको हम लोग लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक के नाम से जानते हैं। जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो ये आकृतियां आपको देखने को जरूर मिलती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आपका अंदर बनती हैं कुछ आकृतियां, लैकोलिथ, फैकोलिथ,
सिल, जब लार्वा आपका कहीं किसी पाइप में फंस के रह जाता है। और डोलेमाइट और मैग्नेटाइट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिएगा, इंट्रूसिव हो गया, अंतर्निर्मित हो गया, जब लावा अंदर रह गया दो भागों में, पाताली और मध्यवर्ती। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रूसिव, बहा आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। कभी कभी मैग्मा भूपरपटी पर आ जाता है, कभी कभी मैग्मा भूपरपटी पर आ जाता है, जैसे नाम से ही लग रहा हुआ है, बहा आग्नेय। और तो ऐसी चट्टानों को हम लोग क्या बोलेंगे, बहा आग्नेय चट्टानें। अब इसकी क्वालिटी क्या है कि यह तेज गति से ठंडा होता है। अब तेज गति से ठंडा होगा तो इसके रवे छोटे देखे जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट में क्या होता है, रवे बड़े होते हैं क्योंकि वो धीमी गति से ठंडा होता है। जबकि बहा आग्नेय चट्टानों में जब बाहर आ जाता है लावा, तो उसकी दूसरा फीचर्स देखते हैं कि ये तेज ठंडा होता है तो रवे बहुत छोटे होते हैं। और इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है बेसाल्ट चट्टानें, ये सामने लिखा हुआ है आपका। अब देखिएगा, बेसाल्ट से एक बात आती है, जो दक्कन का पठार है भारत का, डेक्कन प्लेट्यू, उसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट लावा से ही हुआ है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि बेसाल्ट लावा आया आपके दक्कन के पठार में और उससे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है, तो वहां पर वो तेज गति से ठंडा हुआ वो लावा, तो लेकिन वहां पर जो रवे होंगे छोटे देखे गए होंगे आपकी काली मिट्टी के, बेसाल्ट लावा का जो एरिया निर्मित हुआ है। क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी फीचर्स आपको सामने दिख रहा है कि बेसाल्ट लावा का जब निर्माण होगा तो वहां पर तेज गति से ठंडा होता है, रवे छोटे होते हैं, तो काली मिट्टी का क्षेत्र में आप देखिएगा, ठीक है। ये इतनी बात रही आपकी। अब अपन लोग एक बार बेसाल्ट लावा भारत में कहाँ पे बनता है, दक्कन के पठार में। एक बार दक्कन के पठार को आप मैप पे जरूर देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सामने आपके सामने एक छोटी सी इमेज हमने बनाई है कि यहाँ पर उत्तर भारत का मैदान भी है आपका, पश्चिमी घाट भी बना हुआ है, ये आपका पश्चिमी घाट, ये पूरा का पूरा, ये पूर्वी घाट भी बना हुआ है ये आपका, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये देख रहे हो जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये हम लोग मतलब मैं रहता हूँ नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत। और ये बड़ा सा बीच में देख रहे हो दक्कन का पठार, इसी का निर्माण जो होता है बेसाल्ट लावा से हुआ है। और यही क्षेत्र पे काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी में आपको पता होना चाहिए कॉटन या कपास की खेती की जाती है। मालवा पठार महाराष्ट्र में सर्वाधिक, ये मिट्टी गुजरात में आपका और मध्य प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार होता है। और काली मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा एक बार, डेक्कन प्लेट्यू आपके सामने दिख रहा है और बगल वाले मैप पर आप देखोगे तो डेक्कन प्लेट्यू के साथ साथ वेस्टर्न घाट भी दिख रहा है। ईस्टर्न घाट देखिए टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटा नागपुर पठार आपको दिख रहा है। अब देखिए विंध्याचल जो देख रहे हो, जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है, उसको हम लोग विंध्याचल माउंटेन कहते हैं। बीचों बीच पड़ता है आपका, और उसी के नीचे आपका सतपुरा आ जाता है, और उसी के नीचे थोड़ा सा सतपुरा के नीचे दक्कन का पठार, ठीक है। ये एक बेसिक सी एक बात रही, जो बात आई तो मैंने यहाँ पर मैप थोड़ा सा ऐड कर दिया। जल्दी हम लोग डिस्कशन करेंगे मैप पे भी। चलिए हाँ, तो स्टूडेंट्स ये हमारा रॉक्स पर पहला वीडियो है। जल्दी ही अभी 10 मिनट के बाद मैं इसका सेकंड पार्ट जो होता है अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने जल्दी ही अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका फ्रेंड सतेंद्र, जल्दी मिलता हूँ आपको मैं सेकेंड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।